फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी के सांसद अक्षय यादव हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह राम मंदिर का मुद्दा है, भाजपा कह रही है राम मंदिर बनेगा, क्या मानते हैं, कब तक बनेगा या क्या फिर ये चुनावी जुगला है? जो भाजपा के लोग कहते हैं, हम लोग भी यही सवाल उठाते हैं कि कब बनेगा। अब ये तो राम मंदिर बना नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जरूर कहा है कि विष्णु भगवान का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर वो बनवाएंगे। तो जो बनवाए, तो जब हम लोग सत्ता में होंगे तो जरूर हम लोग इस मंदिर को बनवाएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है, और 5 वर्ष की सरकार में समाजवादी पार्टी ने अपने काम करके दिखाया। 2019 का चुनाव है, क्या एक तरह चुनावी मुद्दा सपा ने ढूंढा है, किन मुद्दों को लेकर सपा जो है सपा चुनाव मैदान में उतरेगी? जो समाजवादी पार्टी की सरकार के रहते उत्तर प्रदेश में विकास के काम करे, और जिस तरह से घोषणा पत्र को पूरी तरह से लागू करा, ये सारी योजनाएं सरकार की जो है जनता तक पहुंचाएंगे, और किस तरह से ये बीजेपी की सरकार विफल रही है, एक भी काम नहीं कर पाई, कोई नए विकास के काम नहीं हो रहे हैं, जो इनकी गलत तरीका है सरकार चलाने का, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, इन सब मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और 2019 के लिए वोट मांगेंगे। अपराध को लेकर क्या कहेंगे, यूपी में अपराध का क्या ग्राफ है? अपराध बढ़ता जा रहा है लगातार। हाल ही में जो लखनऊ में घटना हुई, सिपाही ने जो मारा, रात में जो भी रही हो घटना, कहीं ना कहीं वो अपराध ही है। अभी 2 दिन पहले हमारे फिरोजाबाद के शहर हाशिम फिरोजाबादी के ऊपर जो अटैक हुआ, उनको चोट आई, उनके ऊपर एसिड वगैरह फेंका गया, तो ये भी घटना अपराध की लिस्ट में आती है। तो अपराधियों के हौसले पूरी तरह से बुलंद हैं, और जो आज तक का जो स्तर है कानून व्यवस्था का, उत्तर प्रदेश का ग्राफ सबसे ऊपर है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है कानून व्यवस्था पे, सरकार को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए और चुनाव करवा देने चाहिए। धन्यवाद। तो ये थे फिरोजाबाद के सांसद अक्षय यादव, साफ तौर पर कानून व्यवस्था ध्वस्त होने की बात कही है, सरकार को इस्तीफा देके चुनाव दोबारा कराना चाहिए।